नमस्कार दोस्त, सितंबर माह का धनु राशि वाले जातकों का राशिफल। ये माह आपकी अतीत में सोची हुई सभी चीज़ों को इस समय पूरा करने के लिए तत्पर है, केवल थोड़े से प्रयासों की ज़रूरत है। ये माह आपको पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद से फ़ायदा दिला सकता है। धनु राशि वालों का शुक्र इस समय स्वग्रही होने के कारण वो अपनी बुद्धि ज्ञान से बहुत ज़्यादा सोचे हुए कामों को एक अच्छी ओर ले जा सकते हैं। उनके परिणाम बहुत ही आश्चर्यचकित रहेंगे। इस समय भूमि, भवन, पैतृक जमीन से फायदा होने वाला है। इस माह के मध्य में थोड़ी सी मानसिक अशांति हो सकती है, उसको सूझबूझ से आप उसके निवारण या समाधान के लिए तत्पर रहें। हो सकता है कोई पुराना विवाद भी सामने आ जाए, जिस कारण आप मानसिक रूप से सप्ताह मध्य सप्ताह में थोड़ा सा डिस्टर्ब रहें। धनु राशि वालों जातकों के लिए ये माह रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए बहुत उत्तम समय है। हो सकता है कि इस समय आप कुछ अपने व्यवसाय में बदलाव की सोच रहे हैं, ये बहुत उत्तम समय है। धनु राशि वालों के लिए ये माह व्यवसाय में बहुत अच्छा तरक्की देने वाला है। आपकी सूझबूझ, पुराने रुके काम बनते नजर आएंगे। आपकी नई योजनाएं आपकी नई पहचान बनाएंगी। व्यवसाय में अगर आप कुछ बदलाव की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम है। आप इस पे विचार विमर्श कर सकते हैं। इस माह में धनु राशि वाले जातकों को हो सकता है कि कोई पुरानी बीमारी खड़ी हो, सामने आ जाए, जिसमें आपको सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। सतर्क रहें। धनु राशि वाले जातकों को इस समय जो उनका रुका हुआ पैसा है वो कुछ अपने प्रभाव प्रयासों के से आप उन पैसों को हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। और धनु राशि वाले इस माह अपने छोटे छोटे टारगेट बनाएं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या बिजनेस में हों या जॉब में हों, अपने छोटे छोटे टारगेट्स को ही अपना एक एक कदम बढ़ाकर आगे चलें, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक समय सामान्य है। आप अपने ही हर बात को मत हावी होने दीजिए, दूसरों की भावनाओं को भी थोड़ा समझें और तब निर्णय लें। परिवार में संबंध सौहार्द करने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुकने की आवश्यकता है। आपके संबंधों में तभी मधुरता आएगी। अगर इस माह आप अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो वो ज़रूर पूरी होगी। इस समय स्टूडेंट या जॉब की तलाश में जुटे लोगों को सरकारी नौकरी के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो उनके प्रयास उत्तम रहेंगे। हो सकता है कि आपकी परीक्षाएं इस समय उत्तम हो, इंटरव्यू अच्छे हो, आपका सिलेक्शन भी संभव हो। समय विशेष में आपको खानपान संबंधी सावधानी विशेष तौर पर बरतनी चाहिए। हो सकता है आपका गलत खानपान इस समय आपकी सेहत को कुछ नुकसान पहुंचाए। आप प्रातकाल मेडिटेशन, योगा, थोड़ा सा समय अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूर निकालें।